हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना से आवे, जहां सतना माही बीच बाजार में युवक के संगे मारपीट भय। सिटी कोतवाली थाना के पनीला चौक माही कुछ जने आधी रात के बगहा के रहे वाले अवनीश पांडे के संगे मारपीट करीन, जहां शेख नदीम और सजल मिश्रा अपने आधा दर्जन साथी के संगे मिली के युवक के संगे मारपीट करीन। रीवा के चोराटा थाना के बेला माही शॉर्ट सर्किट से उठी एक चिंगारी सलगे घरे का आगे के गोला बनाए दीस, जहां मधुसूदन पांडे के घरे के 16 एकड़ के रखा गेहूं जरिगा। ये बतावा जात हवे कि पीड़ित पुलिस का एक जानकारी दीन, जेके बाद नता फायर ब्रिगेड मौका में पहुंची अन्नामय पुलिस। आसपास के रहे वाले आगे बुझावे माही जुटे, वहां एक घंटा बाद पुलिस पहुंची और पंचनामा बनाए के आगजनी के अनुमान के बात करी नहीं भाई। पानी नहीं आवे, आधी मारे लाग मार खड़े। वहाँ आगी लागी, वहाँ कैसे आगी लागी? पीछे से आगी लागी, पीछे से आगी लागी, वहाँ कैसे से आगी लागी? आगी लगी, जब 100 मिनट अचानक धन आगी लगी रही, और 10 मिनट के अंदर पूरा साफ हो गया सब यहाँ। खबर शहडोल से है, जहां यूनियन बैंक में ही चोर आधी रात के धाबा बोल दीन। अपने बता दें कि बुढ़ार के यूनियन बैंक में ही चोर बैंक में चोरी का अंजाम दे के पहले पकड़ाए गए। वह पुलिस के मुस्तैदी के कारण एक चोर पकड़ में आएगा, जबकि बाकी अधियारे के फायदा उठाए के भागी गए। हम पकड़ान चोर से बाकी चोरन के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जिला के एसपी वारदात का ही रोकने में भूमिका निभावे वाले पुलिस कर्मी का ही 10,000 रुपया के नगद इनाम दे के घोषणा करी नहीं भाई, और आरोपिन का हर भी पकड़े के आश्वासन दिन। रात बीती रात में बुढ़ार थाना क्षेत्र में गश्त पार्टी जो राउंड पे थी, राम जानकी मंदिर के पास यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के पास में उनको बदमाशों की आहट हुई। आवाज़ से उनको लगा कि बैंक के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने तत्काल सामने नहीं जाके पीछे की ओर से जो सुना इलाका है वहाँ से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। एक बदमाश मुठभेड़ के बाद में जिसमें पुलिस जवान को चोट भी आई, रंगे हाथों पकड़ लिया। तीन बदमाश भागने में सफल रहे और यूनियन बैंक और नेशनल बैंक में एक बड़ी वारदात होने से जो है वो पुलिस की सतर्कता से टल गई। यद्यपि कुछ सामान ले जाने में वो सफल हुए थे, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। और धन्नालाल सोलंकी और वर्षा बैगा और एक तीसरे जो आरक्षक थे परमाल सिंह, उनको 10,000 रुपए के कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। बुलेटिन के अगले खबर सिंगरौली जिला से है, जहां माड़ा माही कोयल खुद गांव में रविवार का सड़क हादसा भा, जहां आधी रात के युवक मोटरसाइकिल के साथ है 50 फीट गहरे कुएं में जाए के गिर गए। वहां युवक के घटना माही मौके में मौत हो गई। सम्मार का सकारे राहगीर माड़ा पुलिस का एकर जानकारी दी, जेके बाद ग्रामीणन के साथ पुलिस बाइक और मृतक का कुएं से बहरे काढ़िन। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का माही हथियार लेके खंडहर में बैठ के बदमाश डकैती की योजना बनवत रहे, जहां पुलिस दबिश दे के बदमाशन का गिरफ्तार कर लीन और इनके लगे से औजार और बरामद करी नहीं बे। वहां ही बदमाश एक हत्या के वारदात का अंजाम दे कबूल करी नहीं बे। हाँ, परसों सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को यह जानकारी मिली थी कि निपनिया जो दारू की दुकान के पास में कुछ बदमाश टाइप के लड़के हैं, वो दारू की दुकान में शराब दुकान में डकैती बनाने की डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उसी का सूचना पर थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम के साथ में मौके पर घेराबंदी करके उन बदमाशों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से कुछ हथियार भी जब्त हुए और उनको पूछताछ में निकल के आया कि वह शराब की दुकान में डकैती डालने के वाले थे। और उसके बाद उनको पकड़ के पूछताछ की गई, उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी निकल के आए। आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा और पूछताछ में निकल के आया कि अभी पचमटा पर कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का रहने वाले कृष्ण नाम के युवक की हत्या हुई थी। उस हत्या में भी इस 5 आरोपी जो कोतवाली में पकड़े गए हैं डकैती की योजना बनाते, उसमें 2 आरोपी
उस हत्या में सम्मिलित भी थे। इन पांच आरोपियों में से एक का नाम यासीन है, एक का नाम अनवर है, एक राहत खान है, एक मकसूद अहमद है और एक रहमान। ये जो पांच डकैती की योजना बनाने वाले आरोपी थे, इसमें से यासीन और मकसूद ये हत्या में भी सम्मिलित थे और हत्या में दो आरोपी और भी सम्मिलित थे जिनकी पता तलाश अभी लगातार पुलिस कर रही है। और इसमें जो आरोपियों से एक रिवॉल्वर, एक तलवार, एक गुप्ती और एक चाकू और एक डंडा ये भी जब्त किया गया पुलिस के द्वारा। और विश्वविद्यालय पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को जो हत्या में शामिल थे उनको पृथक से पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बुलेटिन की अगली खबर नई गढ़ी थाना क्षेत्र से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नई गढ़ी माही स्वास्थ्य मेला के शुभारंभ करें, जहां विधानसभा अध्यक्ष कहें के नियमित रूप से स्वास्थ्य के जांच कराई के रोग के अनुसार ओखर उपचार करवामा। नई गढ़ी के स्वास्थ्य मेला माही 3006 रोगी योजना के लाभ उठाई निभे। अपने बताई दी की आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम माही सलगे विकास खंडन माही स्वास्थ्य मेलन के आयोजन की जाल रहा है, वहां नई गढ़ी मा मेला के आयोजन कीन का रहा, जहां भारी संख्या में लोग पहुंच के अपन स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई नहीं बे। की नीचे अच्छा छोड़ना है। ओम अम अनंताय नमः। नमः। ओम बिम विमलाय नमः। नमः। ओम मध्ये पम परम सुखासनाय नमः। चावल ले लीजिए और दाहिने हाथ से ढक लीजिए। चावल ले लीजिए सब लोग। वो लगा के दे शास्त्री जी, इनको दीजिए तुम देंगे। आप पानी तुरंत दे पिला। जी हाँ नहीं जाएंगे, मोजा पहन के अंदर नहीं जाएंगे हम। आइए बुलेटिन की अगली खबर रीवा से है, जहां रीवा माही सामाजिक क्रांति के अभियान जय महाकाल सेवा संघ के पहल जोन के 7 साल से चली आवल्ला ही बे। जय महाकाल सेवा संघ के रोटी योजना के योजना माही कार्यकर्ता उपदाधिकारी अपने अपने घरे और संपर्क क्षेत्रन से रविवार का ही गरम और ताजा भोजन के पैकेट का इकट्ठा करके सबसे पहले कोठी कंपाउंड के महादेव मंदिर माही समर्पित करे के बाद जरूरतमंदन माही भोजन का बांटा था। एक साथ है समय समय माही जरूरी दवाई कपड़ा कला दी जा था। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। आज के बुलेटिन में इतने। बघेली में खबर खातिर देखत रही मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।